हरि अनंत हरि कथा अनंता कहि सुनहि बहुविधि सब संता राम सिया राम सिया राम जय जय राम 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 जय सिया राम। प्रभु की कृपा से आज 66वें दिन का 66th डे ऑफ 108 डेज रिसाइटेशन ऑफ श्री राम चरित मानस रिटन बाय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। जैसा कि कल हमने पढ़ा अरण्यकांड की शुरुआत होगी, आज अरण्यकांड का दूसरा दिन प्रभु पंचवटी में निवास कर रहे हैं और लक्ष्मण जी प्रभु से कुछ उनकी माया के बारे में और भक्ति के बारे में पूछते हैं तो प्रभु उनको बता रहे हैं। सत्संग हो रहा है, माता सीता सुन रही है, लक्ष्मण जी महाराज सुन रहे हैं और भगवान राम वक्ता है। और अब शूर्पणखा का पदार्पण होगा। तो आज का जो पाठ है वह दोहा 16 से आगे और दोहा 16 है श्री अरण्यकांड चैप्टर 3 में अध्याय 3 में। वचन कर्म मन मोर गति भजन करहि नहीं काम तिनके हृदय कमल महु करौ सदा विश्राम। भगवान राम कह रहे हैं कि जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। उम्मीद है आप सभी अपना खूब ख्याल रख रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, जहां कहीं भी दुनिया में हो। COVID-19 नाम की ये पैंडेमिक हर जगह लोगों को इन्फेक्ट कर रही है, व्याप रही है और हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने आप को सुरक्षित रखें। जरा सा भी अगर आपको शक है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप किसी भी पब्लिक प्लेस में ना जाएं, किसी से भी मिले नहीं। जो हेल्पलाइन आपके 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 अपने कंट्रीज में आपके अपने एरिया में दिया हुआ उस पर कॉल करें, उनको बताएं अपने सिम्टम्स के बारे में और उनसे सुझाव लेकर ही फिर कहीं जाएं या हॉस्पिटल जाएं, लेकिन किसी और से ना मिले क्योंकि न सिर्फ आप रिस्क में हैं बल्कि हर आपके संपर्क में आने वाला इंसान भी रिस्क में आ जाता है। ये हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस तरह का बिहेवियर ना दें। हो सकता है हमारा शरीर सक्षम हो और इस बीमारी से अपने आप लड़कर निकल जाए या हॉस्पिटल जाकर ठीक हो जाए, लेकिन जिनको हम मिलेंगे उनकी अगर इम्यूनिटी कम हुई, कमज़ोर हुई अंदर से, तो शायद उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाए। इसका ध्यान रखें और भारत के लिए भी प्रार्थना करते हैं। इस वक्त कई दुश्मन बेवजह ही सर उठा रहे हैं, जबकि इस वक्त सारे संसार को, पूरी धरती को, धरती के सारे देशों को मिलकर सिर्फ COVID-19 से मानवता के लिए संघर्ष करना है। तो इस वक्त कुछ देश अपनी बेवजह की जरूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध के स्तर पर तैयारी कर रहे हैं और युद्ध जैसा माहौल बना रहे हैं। प्रभु उनको सन्मति दे और सदगति भी दे, अगर वो लड़ाई में कूद पड़े तो फिर उनको उनका सही जवाब भारत दे, यह प्रभु से कर जोड़ कर प्रार्थना है। आइए बजरंग बली का ध्यान करेंगे क्योंकि बजरंग बली जहाँ कहीं भी श्री राम चरित मानस का पाठ होता है, भगवान राम के गुणों का बखान किया जाता है, गान किया जाता है, भजन किया जाता है, श्रवण कीर्तन किया जाता है, वहाँ किसी न किसी रूप में अवश्य होते हैं। तो बजरंग बली का ध्यान करेंगे। ओम प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदयागा
सही राम सर चाप धर दासो हमको सेन्द्रस्य रामस्या कुष्ठ कर्मण हनुमान शत्रु सैन्याराम निहंता मारुतात्मज सिया राम मैं सब जग जानी करम प्रणाम जोड़ी जुग पानी हो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम ये न चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षि विद्यावदेहि नमोस्तु ओम जयति मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते ओम अजीर बिहारी। और आज का पाठ शुरू होता है भगति जोग सुनी अति सुख पावा लक्ष्मण प्रभु चरण ही सिरुनावा एही विधि गए कछुक दिन बीती कहत विराग ज्ञान गुण नीति। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। प्रभु पंचवटी में निवास कर रहे हैं और माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ नित्य सत्संग होता है और प्रभु हर तरह से उनके समस्त सवालों का उत्तर देते हैं, निवारण करते हैं और हर प्रकार से समझाते हैं और सब अत्यंत सुखपूर्वक समय बीत रहा है। और अब सुपनखा का पदार्पण होता है। सुपनखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जैसे अहिनी पंचवटी सो गई एक बारा देख विकल भई जुगल कुमारा। शूर्पनखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र उरे गारी पुरुष मनोहर निरीक्षति नारी होई बिखल सक मन ही न रोकी जिमि रवि मनि द्रव रवि ही बिलोकी। का घुसुंडी जी कहते हैं हे गरुड़ जी शूर्पनखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक पाती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है ज्वाला से पिघल जाती है। रुचिर रूप धरी प्रभु पही जाई बोली बचन बहुत मुसुकाई तुम सम पुरुष नमो सम नारी यह संजोग
विधि रचा बिचारी। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है न मेरे समान स्त्री, विधाता ने यह संयोग जोड़ा बहुत विचार कर रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देख्यों खोजी लोक तिहु नाही, ताते अब लगी रही कुमारी, मनुमाला कछु तुम्हें निहारी। शूर्पणखा प्रभु से कह रही है कि मेरे योग्य पुरुष वर जगत भर में नहीं, मैंने तीनों लोगों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुमारी अविवाहित रही, अब तुमको देखकर कुछ मन माना है, मेरा चित्त ठहरा है। सीतहि चितहि कहि प्रभु बाता, अहि कुवार मोर लघु भ्राता, गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदु वाणी। सीता जी की ओर देखकर भगवान राम शूर्पणखा से कहते हैं कि वो देखो मेरा छोटा भाई कुमारा है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गया, भगवान ने जैसे इशारा किया कि मेरी तो पत्नी है लेकिन मेरा भाई जो है, हालांकि उनकी भी शादी हो गई लेकिन प्रभु जानते हैं कि कौन है मायावी राक्षसी शूर्पणखा, तो प्रभु भी थोड़ी ठिठोली कर रहे हैं और कहते हैं कि ये भाई है मेरा कुमारा है, इससे पूछ लो। तब वह लक्ष्मण जी के पास गए शूर्पणखा, लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर पर प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, अब लक्ष्मण जी भी ठिठोली कर रहे हैं प्रभु के साथ शूर्पणखा की, सुंदरी सुनु मैं उन्हें कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करही उन्हें सब छाजा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुभीता सुख कभी नहीं प्राप्त होगा, मेरे साथ अगर तुम विवाह करोगे तो प्रभु समर्थ है, कौशलपुर के राजा है, वे जो कुछ करें उन्हें सब भपता है, तो तुम उन्हीं के पास जाओ। सेवक सुख चाहे मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति विभिचारी, लोभी जसु चाहे चार गुमानी, नभ दुहि दूध चाहते प्राणी। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी जैसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दुहकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। पुनि फिरी राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाई, लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो तृण तोरी लाज परिहरई। वह लौट कर फिर श्री राम जी के पास आई, प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया, लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हें वही भरेगा जो लज्जा के तृण को तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा वही तुम्हें भरेगा। तब खिसियानी राम पही गई, रूप भयंकर प्रगटत भई, सीतहि सभय देखी रघुराई, कहा अनुज सन सैन बुझाई। तब वह खिसियाई हुई क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया, सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा। अब शूर्पणखा अपने रूप में आ गई और राक्षसी रूप बड़ा भयंकर देखकर सीता जी थोड़ी भयभीत दिखी प्रभु को, तो प्रभु ने लक्ष्मण जी को इशारा किया और लक्ष्मण जी ने क्या किया,
लच्छी मने अति लाघव सो नाक कान बिनु कीनी ताके कर रावण कहा मनो चुनौती दीनी। लक्ष्मण जी ने बड़ी फूर्ति से उसको बिना नाक कान की कर दिया, उसके नाक और कान काट लिए, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी। नाक कान बिनु भई बिकरारा जनु सब सैर गेरु कै धारा कर दूषण पही गई बिल पाता दिग दिग तब पौरुष बल भ्राता। बिना नाक कान के वह शूर्पणखा विकराल हो गई, उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरु की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खर दूषण के पास गई। खरदूषण शूर्पणखा के भाई, रावण के भी भाई हैं, तो विलाप करती हुई शूर्पणखा खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई तुम्हारे पौरुष वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। तही पूछा सब कहसी बुझाई जातु धान सुनी सहन बनाई धाये निसी चर निकर बरूथा जनु सपच्च कज्जल गिरी जूथा। उन्होंने पूछा तब शूर्पणखा ने सब समझाकर कुछ झूठ भी कहकर बता दिया कि किस तरह से उसके नाक कान काट लिए, और यह भी कहा कि मैं तो उस सुंदरी स्त्री को मैंने सोचा कि तुम दोनों भाइयों के पास वह सुंदर स्त्री होनी चाहिए, तो मैं तो तुम्हारा रिश्ता लेकर गई थी उस स्त्री के लिए, और उन्होंने देखो मेरे नाक और कान काट लिए। इस तरह झूठी कहानी सुनकर खरदूषण गुस्से में आ गए और सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड, सब के सब चल दिए श्री राम जी और लक्ष्मण जी से युद्ध करने। उनके मन में तो था कि अब उस युवती को जिसका वर्णन कर रही है शूर्पणखा उसको उठा ले आएंगे और उन दोनों को मार देंगे, क्योंकि साधारण मानव तो है, ऐसा सोचकर सब चले सेना सजाकर। नाना बाहन नाना कारा नाना युद्ध धर घोर अपारा शूर्पणखा आगे करीनी अशुभ रूप श्रुति नासाहीनी। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार सूरतों के हैं, वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपिणी शूर्पणखा को आगे कर लिया। असगुण अमित हो ही भयकारी गरही न मृत्यु भी बस सब झारी गर जही तरे जही गगन उड़ाही देखी कटक भटी अति हर शाही। अनगिरत भयंकर अपशकुन हो रहे हैं परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं, गरजते हैं ललकारते हैं और आकाश में उठते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। कहु कह जियत धर हुदो भाई धरी मार हुतिय ले हु छड़ाई धूरी पूरी नभ मंडल राहा राम बोलाई अनुज सन कहा। कोई कहता है दोनों भाइयों को जिंदा ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, ले जान की जाहु गिरी कंदर आवानी सिचर कटकु भयंकर रहु सजग पुनि प्रभु के वानी चले सहित श्री सर धनु पानी। भगवान लक्ष्मण जी को बुलाकर, भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को बुलाकर कहते हैं, जब वो देख रहे हैं कि बहुत सारी धूल आकाश में आ गई तो भगवान समझ गए कि शूर्पणखा अपने भाइयों को लेकर राक्षसों की सेना को लेकर आ रही है, तो लक्ष्मण जी को बुलाकर कहते हैं, ले जानक ही जाहु गिरि कंदर आवानि सिचर कटकु भयंकर रहु सजग सुनि प्रभु कै वानी चले सहित श्री सर धनु पानी। राक्षसों की भयानक सेना आ गई है, जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए श्री सीता जी सहित पर्वत की गुफा की ओर चले। देखी राम रिपुदल चली आवा बिहसी कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना समीप चली आई है, यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को
अत्यंचा चढ़ाई कोदंड कठिन चढ़ाई सिर जट जूट बाधत सोह क्यों मरकत सयल पर लरत दामिनी कोटि सो जुग भुजग जो कटि कसिने खंग विशाल भुज गही चाप बिसिख सुधारि कै चितवत मनहु मृगराज प्रभु गजराज घटा निहारि कै। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हैं। कमर में तरकस कसकर विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा। धरहु धरहु धावत सुभटी आई गए बगमेली बाल रवि घेरत धनुजी जथा बिलो की अकेली। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया, जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु बिलो की सर सकहि न डारी थकित भई रजनी चर धारी सचिव बोली बोले खर दूषण यह कौरव बालक नर भूषण। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई, वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा कि यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। नाग असुर सुर नर मुनि जेते देखे जीते हते हम केते हम भरी जन्म सुनहु सब भाई देखी नहीं असी सुंदरताई। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे और जीते और मार डाले, पर हे सब भाइयों सुनो हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। खरदूषण भगवान राम की सुंदरता पे थकित है और अपने दल को यह बता रहे हैं कि ऐसी सुंदरता पहले कभी देखी ही नहीं। यद्यपि भगिनी की निकुरूपा बदलायक नहीं पुरुष अनुपा देहु तुरत निज नारी दुराई जियत भवन जाहु दो भाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया है, उसके नाक कान काट लिए हैं, तथापि यह अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। खरदूषण प्रभु के सामने संधि का प्रस्ताव रख रहे हैं। संधि क्या? कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम्हें तुम्हारी सुंदरता को देखकर हमें मन नहीं करता कि हम तुम्हें तुम्हारा वध करें। तुम तो ऐसा करो, हालांकि तुमने हमारी बहन को कुरूप कर दिया है, लेकिन फिर भी हम तुम्हें क्षमा करते हैं। तुम ऐसा करो, तुम्हारी जो स्त्री है उसको ले आओ, हमें समर्पित कर दो और तुम दोनों भाई जाओ, खुशी खुशी अपने घर लौट जाओ। मोर कहा तुम ताहि सुना बहु तासु बचन सुनिया तुरिया बहु दूतन कहा राम सन जाई सुनत राम बोले मुसुकाई। खरदूषण अपने दूत को भेजते हैं यह कहने को भगवान राम से, तो कहते हैं कि मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा कर बोले, हम छत्री मृग यावन करही तुमसे खल मृग भोजत फिरही रिपु बलवंत देखी नहीं डरही एक बार कालहु सन लरही। भगवान राम कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे शरीर के दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते, डरने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मनुज धनुज कुल घालक मुनि पालक खल सालक बालक जो न होई बल घन फिर जाहु समर विमुख मैं हतौ न काहु। यद्यपि हम मनुष्य हैं परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं परंतु हैं दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ, संग्राम में पीठ दिखाने वालों को मैं नहीं मारता। रण चढ़ी करी कपट चतुराई रिपु पर कृपा परम कदराई
दूतन जाई तुरत सब कहेऊ, सुनि खर दूषण उरी अति दहेऊ। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौट कर तुरंत सब बातें खरदूषण को कही, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। उनको ये एक्सपेक्टेड नहीं था आंसर, वो तो सोच रहे थे कि डर जाएगा, मनुष्य है। लेकिन उनको क्या पता ये 14 लोकों के स्वामी भगवान स्वयं है, जो उनका उद्धार करने के लिए आए, उनको ताड़ने के लिए आए। उर दहेऊ कहेऊ किधर उधाए, बिकट भड़ रजनी चरा सर चाप तो मर सकती सून, कृपान परिग पर सुधरा प्रभु की निधनुष टकोर, प्रथम कठोर घोर भयावह भय बधिर व्याकुल जातु धान, न ज्ञान ते ही अवसर रहा। हर दूषण का हृदय जल उठा, तब उन्होंने कहा पकड़ कैद कर। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति सांग शूल बरछी कृपाण कटार परिग और वर्षा धारण किए हुए प्रभु की ओर दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। सावधान होई धाए जानी सबली आराती, लागे बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र बहु भांति, तिनके आयुध तिल सम करी काटे रघुबीर, तानी सरासन श्रवण लगी पुनि छाड़े निज तीर। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। श्री रघुवीर ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला, फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। तब चले बाण कराल फुकरत जनु बहु व्याल, कोपे समर श्री राम चले विसख निसित निकाम। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और फिर अत्यंत तीक्ष्ण बाण चलने लगे। अब लोकी खर तर तीर मुरी चले निश्चर वीर, भय क्रुद्ध तीन उभाय जो भागी रण ते जाय। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खर दूषण और त्रिशिरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भाग कर जाएगा तही बधब हम निज पानी, फिर मरण मन महुठानी, आयुधे अनेक प्रकार सन्मुक्त कर ही प्रहार, उसका हम अपने हाथों से वध करेंगे। तब मन में मरना हार कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। टिपु परम कोपे जानी प्रभु धनुष सर संधानी, छाड़े विपुल नाराज लगे कटन विकट पिसाच। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उर शीस भुज कर चरण जह तह लगे महिपरन, चिक करत लागत बाण धर परत कुधर समान, उनकी छाती सिर भुजा हाथ और पैर जहां तहां पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंघाड़ते हैं, उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। फट कटत तन सतखंड पुनि उठत करी पाखंड, नभ उड़त बहु भुज मुंड बिन मौलि धावत रुंड। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं, वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। खग कंक काक शृगाल कट कट ही कठिन कराल, चील या क्रौंच कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कट कट शब्द कर रहे। कट कट ही जम्बुक भूत प्रेत पिसाच घर पर संचही, बेताल वीर कपाल ताल बजाई जोगिनी नंचही, रघुवीर बाण प्रचंड खंड बटन के उर भुज सिरा, जह तह पर ही उठी लरही धर 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 कर ही भय कर गिरा। सियार कट कट आते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं, वीर बैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्षस्थल भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं, उनके धड़ जहां तहां गिर पड़ते हैं, फिर उठते और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं।
अत्तावरी कही उड़त गीत पिसाच कर गही धावही संग्राम पुरवासी मनहु बहु बाल गुड़ी उड़ावन मारे पछारे पुर बिदार विपुल भट कह रत परे अवलोक निज दल बिकल भट तिसिरा दिखर दूषण फिरे। अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गिद्ध उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हैं। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए वो पड़े कराह रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर तृष्णा और प्रदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। सर शक्ति तोमर परसूल कृपा रे कही बारही करि कोप श्री रघुबीर पर अगणित निसाचर डारही प्रभु निमिष महुरि कुसर निवारि बचारि डारे सायका दस दस बिसिक उर माझ मारे सकल निसिचर नायका। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण शक्ति तोमर हर्षा शूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काट कर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में दस दस बाण मारे। वही परत उठी भट भिरत मरत न करत माया अति घनी सुर डरत चौदह सहस प्रेत बिलो की एक अवध धनी सुर मुनि सभय प्रभु देखी माया नाथ अति कौतुक करयो देख ही परस पर राम कर संग्राम रिपुदल लरी मरयो। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं फिर उठकर भिड़ते हैं मरते नहीं बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देख देख कर डरते हैं कि प्रेत राक्षस 14,000 हैं और अयोध्यानाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप में देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ पड़ी। देवता भी इस युद्ध को देख रहे हैं और सोचकर डर रहे हैं कि भगवान अकेले हैं और ये 14,000 भयंकर राक्षस इनसे लड़ रहे हैं। तो प्रभु ने एक कौतुक किया और हर राक्षस को दूसरा अपने बगल वाला राक्षस राम दिखने लगा और सब आपस में ही लड़कर मरने लगे। राम राम कही तनु तजही पावही पद निर्वाण करि उपाय कुमार छन महु कृपा निधान। सब यही राम है इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पा जाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। हर्षित वर्ष ही सुमन सुर बाज ही गगन निशान स्तुति करी करी सब चले शोभित विविध विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं आकाश में नगाड़े बज रहे हैं फिर वे सब स्तुति कर करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। और इस प्रकार विमान ने खरदूषण की सेना खरदूषण और तिश्रा के साथ संहार कर दिया और यह देखकर देवता अत्यंत प्रसन्न होकर और प्रभु पर फूल बरसाकर वापस अपने अपने लोक को चले गए। जब रघुनाथ समर रिपूजी थे सुर नर मुनि सब के भय बीते तब लक्ष्मण सीतहिं लई आए प्रभु पद परत हरषि उर लाए। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तब देवता मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए। तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता चितव श्याम मृदु गाता परम प्रेम लोचन नय घाता पंचवटी बसी श्री रघुनायक करत चरित सुर मुनि सुखदायक। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही है नेत्रा घाते नहीं है। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। दुआ देखी खर दूषण केरा जाई सुपन खा रावण प्रेरा बोली बचन क्रोध करी भारी
देश को से कई सुरति भी सारी। खरदूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोले, तूने देश और खजाने की सुधी भुला दी। अब शूर्पणखा रावण के पास चली गई और इस प्रकार अब रावण का कथा में फॉर्मली प्रवेश होता है। करसी पान सो बसी दिनु राती, सुधी नहीं तब सिर पर आराती। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर पे बिनु सत्य करमा। विद्या बिनु विवेक उपजाए, सब फल पढ़े किए अरुपाए। संग ते जति कुमंत्र ते राजा, मान ते ज्ञान पान ते लाजा। प्रीति प्रलय बिनु मद ते गुनी, ना सही बेगी नीति अस सुनी। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। शूर्पणखा रावण को डांटते हुए चिंगारते हुए कह रही है, तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धर्म प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरा पान से लज्जा, नम्रता के बिना नम्रता न होने से प्रीति और मद, अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। प्रभु वही गनियन छोटी करी, त्रिपुरुज पावक पाप करी। लागी रोधन करन अस कही विविध विलाप। शत्रु रोग अग्नि पाप स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। सभा बाज परी व्याकुल बहु प्रकार कह रोई, तो ही जियत दस कंधर मोरी की असी गति होई। रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। सुनत सभासद उठे अकुलाई, समझाई गई बाह उठाई। कह लंकेश कहसी निज बाता, कई तब नासा कान निपाता। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए। अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। समझ परी मोहि उन कई करनी, रहित निसाचर करी हहीं धरनी। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान है, वन में शिकार खेलने आए। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे, यानी राक्षसों का सर्वस्व समूल विनाश कर देंगे। जिनकर भुज बल पाई दसानन, अभय भय विचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना, परम धीर धन्वी गुण दाना। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख, मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं, पर है काल के समान। वे परम धीर श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल भद्रत सुर मुनि सुख दाता। शोभा धाम राम अस नामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं,
राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री भी है। रूप राशि विधि नारी सवारी रति सत कोटि तासु बलिहारी तासु अनुज काटे सुति नासा सुनी तब भगिनी करही परिहासा। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति कामदेव की स्त्री रति उस पर निछावर है 100 करोड़। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। शूर्पणखा लगा बुझाकर रावण को भड़का रही। खर दूषण सुनी लगे पुकारा छन बहु सकल कटक उन्हें मारा। खर दूषण तिसिरा कर घाता सुनी दस शीस जरे सब गाता। मेरी पुकार सुनकर खर दूषण सहायता करने आए पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खर दूषण और त्रिशरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। सूप न कही समुझाई करी बल बोले सी बहु भांति कहु भवन अति सोच बसी नींद परई नहीं राती। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं पड़ी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। राधे श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री सदगुरु भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। समस्त गुरुजनों की जय। समस्त पूर्वजों की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इस प्रकार आज 66वें दिन का 66th डे ऑफ श्री राम चरितमानस पाठ यहीं पे पूरा होता है। 66 दिन कैसे बीत गए पता भी नहीं चला और 108 दिन भी बीत जाएंगे। प्रभु की कृपा से हमें यह सुअवसर प्राप्त हुआ है तो आइए इसका खूब लाभ उठाएं। जितना भी हो सके आप जुड़िए सुनिए और अगर कभी लाइव पाठ के दौरान ना आ पाए तो YouTube पे भी ये सारे वीडियोस पिछले 65 दिन के हैं और ये आज का भी 66वें दिन का जो पाठ है वह भी चला जाएगा। शाम तक रात तक आप अवश्य अपने अपना समय निकाल कर सुने और साथ में पाठ भी करें। तो आज के पाठ में हमने जाना कि किस प्रकार प्रभु ने खर दूषण और त्रिशरा का वध कर दिया। अब यह बात रावण तक पहुंची है और रावण सोच में लीन हो गया है चिंता में पड़ गया है कि अगर खर दूषण और त्रिशरा को क्षण भर में मार डाला किसी ने जो मेरे ही समान बली है तो इसका मतलब यह साधारण मनुष्य नहीं है। ये भगवान स्वयं हमारा उद्धार करने के लिए प्रकट हुए हैं। अब रावण मन में सोचेगा कि इनसे बैर लेकर इनकी पूजा तो नहीं कर सकता। तामस शरीर है पूजा करके तो मैं इनको नहीं पा सकता या मेरा उद्धार नहीं हो सकता। तो रावण अब यह सोचकर उनसे बैर मोल लेगा कि चलो बैर मोल लेते हैं ताकि इनके हाथों जब मैं परम गति को प्राप्त होऊंगा मृत्यु को प्राप्त होऊंगा तो फिर मेरा इस जन्म मरण के चक्कर में आना छूट जाएगा। कल के पाठ में हम ये जानेंगे कि रावण के मन में क्या चल रहा है। आप सब अपना खूब ख्याल रखें स्वस्थ रहें सुरक्षित रहें। रथ
अजीर बिहारी मंगल भवानी अमंगल हारी वहाँ सहित जही जपत पुरारी ओम श्री राम राम रामे ते रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम राम भरारने ओम वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आज जब प्रभु खर दूषण और त्रिशरा की सेना का विनाश कर रहे थे तो मुझे ताइवान टाइम्स का वो जो उन्होंने 2-3 दिन पहले अपने मेन न्यूज़पेपर में निकाला था वो कार्टून याद आया, वो पिक्चर याद आई जिसमें भगवान राम बाण कानों तक खींचे हुए ड्रैगन की ओर निशाना लगाकर मारने वाले हैं। प्रभु की कृपा देखी तो उन्होंने जैसे याद दिलाया कि हमारे सारे फौजी भगवान राम की तरह धनुष और बाण लिए सीमा पर खड़े हैं। ड्रैगन या उनका कोई भी पिट्ठू आए अब सर्वनाश हो जाएगा, इसलिए समझ जाओ ड्रैगन और चाइना, क्योंकि अब भारत 1962 वाला नहीं है, ये 2020 का नरेंद्र मोदी जी का भारत है। छोटे छोटे बच्चे भी सीमा की ओर चले गए, उनको पुलिस वालों ने समझा बुझाकर घर लौटाया, कह रहे थे कि नहीं अब तो चाइना को हम देख लेंगे। तो छोटे छोटे बच्चों में देशभक्ति की भावना जागृत हुई है। नमन देश के प्रधानमंत्री, देश के सुदृढ़ और सबसे अब तक के जो इंपैक्टफुल लीडर होता है, नेता होता है, वो है नरेंद्र मोदी जी। नमन, प्रभु उनको लंबी आयु और अच्छी सेहत प्रदान करें ताकि देश की बागडोर इसी तरह संभाल कर रखें और देश को हमेशा उन्नति के पथ पर अग्रसर करते रहें। जय सियाराम। सियाराम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जय सियाराम।